दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको जो मेरी सीरीज़ है स्कर्दू वाली, वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और नीचे अच्छे अच्छे से कमेंट करें और अपनी सजेशन दें कि आप कौन सी कमियाँ आपको इस सीरीज़ में नज़र आई है। तो मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम कभी करूँ ऐसी सीरीज तो वो कमियाँ अपनी दूर करने की कोशिश करूँ। तो इस जो सीरीज़ है तो ये आपने वीडियोस तो देख लिया, लेकिन हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। कुछ तो इश्यूज़ थे, कोई मोबाइल का इशू था, कभी बैटरी ख़त्म हो गई तो कभी रात आ गई तो मोबाइल वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो मैं आपको शुरू से सुनाना चाहता हूँ। जब हम यहाँ से निकले हैं तो पहला चैलेंज ये था कि मुआज़ भाई का जो बाइक है वो पंचर हो गया, पंक्चर लगवाया, फिर उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल डलवाया। तो फिर हम पहुंच गए रावलपिंडी। तो रावलपिंडी हमने वहाँ रात नाइट जो है वो स्टे की। तो स्टे करके जब इंशाल्लाह सुबह निकलने लगे तो मुआज़ भाई कह रहे हैं कि हमें किसी से मिलना है। तो ऐसे करते बारिश भी हो रही थी रावलपिंडी बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से हम वहाँ से भी लेट निकले। तो वहाँ से अगर जब लेट निकले हैं तो फिर आगे भी हम लेट पहुँचे हैं। तो रात को हम पहुँचे थे जी शुगरा। तो शुगरा हमें कोई भी होटल वाला वहाँ पर कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तो वो कह रहे थे कि भाई आप यहाँ पे कैंप नहीं लगा सकते, आप रूम ले लें, आप कैंप नहीं यहाँ लगाएंगे, अगर आपने कैंप लगाना है तो आप सिरीबाई चले जाएं। तो मैं जो था बजात खुद सिरीबाई पहली मरतबा गया, मुआज़ भाई वो भी पहली मरतबा, हनी भाई आए थे लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने पैदल ट्रैक किया हुआ है वो भी बर्फबारी के दौरान। तो वो भी कह रहे हैं कि बाइक पर पहली मरतबा ही यहाँ पे आए हैं सिरीबाई शुगरा हमारे साथ ही, पहला ट्रिप था उनका भी, मेरा भी पहला ही था, ड्रीम ट्रिप था हमारा। बड़ा मैंने सोचा था कि कभी जाएंगे, तो अल्लाह का शुक्र है ये ट्रिप हमारा पूरा हुआ। तो हम खैर वैर से अभी घर आपके सामने वीडियो वगैरह ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शुगरा से जब हम सिरीबाई की तरफ निकले हैं तो हमने जब जो सिरीबाई को पहला सीधा रोड जाता है तो वो हमने जब देखा तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे दीवार नहीं होती वैसे दीवार थी। तो हम वहाँ से डर गए हैं एक मरतबा, तो हमने कहा भाई यहाँ से नहीं जा सकते। तो ऐसे एक रास्ता है, इधर भी एक रास्ता निकलता है, तो वो बड़ा अच्छा रोड सा बना हुआ था। तो हनी भाई कहते हैं कि भाई ये रास्ता जाता है। तो ठीक है, हम खुश हो गए कि ये रास्ता जा रहा है, अच्छा रोड है, ये तो नहीं होगा, तो हम इस रास्ते चले जाएंगे। हम इस रास्ते से गए, वो रास्ता क्या था ऐसे गया है, आगे से घूम के फिर वही आ गया। तो आगे हम वहाँ पर पहुँचे तो जो पहला रास्ता था वो उससे ज़्यादा हल्का था, लेकिन जो वो था ना जहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी जो हम नहीं गए थे तो वो तो बहुत ज़्यादा था, वो देख के डर लगता था, वो हम बाइक चढ़नी नहीं थी। तो हम जब आगे से घूम के वहाँ पर पहुँचे हैं तो आगे से फिर वैसे ही रास्ता शुरू हो गया, बाइक्स की बस हो गई है, हनी भाई की बाइक्स है 150 cc, वो भी बड़ी मुश्किल से चल रही है, मेरा 125 cc है वो भी औखा सोखा हो गया चढ़ी जा रहा है, और जो थे मुआज़ भाई उनकी आगे वहाँ पर शामत, उनकी बाइक चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी कोशिशें की फिर क्या करते थे हम, रात का टाइम है आगे जाके खड़े होना, यहाँ पे कोई सीधी सड़क आनी वहाँ पे खड़े होके फिर वापस जाना नीचे ढलान पे, मुआज़ भाई को धक्का लगाना ऊपर की तरफ और उन्हें उनकी बाइक ऊपर चढ़ानी। तो ऐसे करते 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 फिर हम पहुँच गए थे सिरीबाई। तो सिरीबाई पे वापसी, तो ऐसे चैलेंज, फिर दूसरा चैलेंज हमें ये है बाबूसर टॉप का। बाबूसर टॉप से पहले भी मुआज़ भाई की जो बाइक थी वो ख़राब होना शुरू हो गई, उसकी पिक जो थी वो कम होना शुरू हो गई। तो हमें था कि रात होने से पहले हम बाबूसर टॉप जो है वो चढ़ जाएं, अगर हम बाबूसर टॉप चढ़ गए तो जो उतराई के वक्त तो बाइक खुद ब खुद उतर जाएगी, तो वहाँ पे हमें टेंशन नहीं होगी, चढ़ जाएंगे। तो ये चैलेंज थे। तो हनी भाई ज़रा पीछे रुके थे तो मैं और मुआज़ भाई आगे के चल रहे थे, तो मुआज़ भाई की बाइक नहीं चढ़ी थी तो मैं मुआज़ भाई को सपोर्ट करते हुए उनके साथ 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 दे रहा था, वो जा रहा था। इतनी देर में हुआ क्या है कि चढ़ाई होता है ना मोमेंटम एक चीज़ का होता है, तो वो मोमेंटम जो था हमारा टूट गया मेरी बाइक का, क्योंकि मैं स्लो स्लो जा रहा था, कभी ब्रेक लगा के खड़ा हो जाता था, ऐसे करते करते हुआ क्या कि मेरी जो बाइक थी वो बहुत ज़्यादा अंडर पावर हो गई, और मुआज़ भाई के हालांकि बाइक जो थी वो फारक थी लेकिन वो आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया, क्योंकि मैं खड़ा हो जाता था कि मुआज़ भाई आने दूँ तो चढ़ाई पर खड़ा हूँ। तो इसी तरह से हम चढ़ते गए, हनी भाई भी आगे निकल गए, मुआज़ भाई भी निकल गए, और मैं वहाँ पे कभी इधर भाई लेके जा रहा हूँ, कभी इधर लेके जा रहा हूँ, कभी इधर लेके जा रहा हूँ, कि अल्लाह कर ये चढ़ जाए कि मैं ही यहाँ फंस ना जाऊँ। तो ऐसे करते 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 बड़ी मुश्किल से मैं जब बाबूसर टॉप पहुँचा तो मैंने सूखा सांस लिया कि शुक्र है बाइक चढ़ गई, लेकिन
जहाँ पे चैलेंज कम नहीं हुए। बाबू सट्टा पे पहुंचे हैं, शूज वगैरह भी गिले हैं। मैंने हाफ स्लीव जो जैकेट थी वही मैं लेके गया था, तो वो पहनी हुई थी। तो हाफ स्लीव जो है स्लीवलेस जैकेट थी, हाफ स्लीव मेरी शर्ट थी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी लगी। तो मैंने कहा जल्दी यहाँ से उतरो, तो जल्दी से हम फिर वहाँ से उतरे हैं। तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होना कि अब उल्टी आ गई अब आ गई, तो ऐसी कंडीशन थी। पीछे लास्ट का जो रास्ता था वो ऐसा था कि रात के बाद मैं तो कहा कि अभी अभी पहाड़ नहीं जाए, इधर से पहाड़ नहीं जाए, बहुत लैंड स्लाइडिंग सारा एरिया था। तो वहाँ पे मैंने कहा यहाँ से जल्दी से निकल जाएं, ये रास्ता ख़त्म हो जाए। तो सड़क पे पत्थर आके गिरे हुए हैं, कभी सड़क ऐसे जा रही है क्योंकि वो सारा लैंड स्लाइडिंग एरिया था, कभी कहीं पे लैंड स्लाइडिंग हुई है कहीं पे नहीं हुई। तो वहाँ वो भी बहुत मुझे याद रहेगी वो रात। तो फिर हम चलास पहुँच गए खैर। तो उससे जो हमें अगला चैलेंज जो आया वो आया हमें जाके देवसाई नेशनल पार्क में, जो था हाँ रामा लेक वाला चैलेंज जो था वो भी ठीक था, लेकिन वो जो सीरी पाए और देवसाई में जितना जोर लगा ना उतना बाइक का जोर नहीं लगा, लेकिन ये भी अच्छा चैलेंज था। आपके सामने पीछे ये चल भी है, ये हमारा रामा लेक का ट्रैक है, तो ये भी बड़ा यादगार ट्रैक है और बहुत मज़ा है यहाँ पे बाइक चलाने का। और वापसी पे मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि बारिश हो रही थी, तो वापसी पे ऐसा हुआ कि ये आपको साल खाई नजर आ रही है, तो ये चढ़ाई है, तो वापसी पे हमने उतरना है। तो वापसी पे हो रही है बारिश, तो बारिश से हो गया सके गीली कीचड़ वगैरह हो गया। तो जब उतर रहा हूँ तो बाइक स्पीड पर कर रही है, पिछली ब्रेक लगा रहा हूँ तो बाइक स्किड कर रही है, अगली लगा रहा हूँ बाइक स्किड कर रही है, और मैंने छोटे गियर में करने के लिए क्लच अभी पकड़ा था, क्लच छोड़ूं तो बाइक ने और स्किड करने का क्योंकि वो झटका लगता है टायर। तो वहाँ पे ये कंडीशन आ गई कि ब्रेक नहीं लग रही, तो इस साइड पे खाई है, तो इससे इतनी सी सड़क है, सामने मुआज भाई है, उससे आगे हनी भाई है, तो वो ऐसे उतराई है और ब्रेक नहीं लग रही। मैं ब्रेक लगा रहा हूँ पिछली, तो पिछला टायर स्किड कर रहा है, अगली लगा रहा हूँ अगला टायर मेरा वैसे ही फाड़ रहा था, तो वो ऐसे ब्रेक को हाथ ही लगा रहा था वो स्किड कर जाता। तो ऐसे करते करते मैंने देखा कि सामने ना मेरे एक पत्थर पड़ा है, इतना बड़ा सा पत्थर था। मैंने कहा यहाँ पे जाके लगाता हूँ भाई, तो यहाँ पे बंद हो जाएगी, तो फिर मैं दोबारा से फिर मोमेंटम बनाऊंगा और सही तरीके से लेके जाऊंगा। लेकिन उस चीज़ की नौबत नहीं आई, ब्रेक अगली को थोड़ा सा झटका लगा है और टायर जो है स्किड हो गया, बाइक गिर गई है। लेकिन शुक्र है ये उस पत्थर की तरफ गिरी, इधर नहीं गिरी, तो वरना बाइक का तो पता नहीं मेरा भी नहीं पता चलना था कहाँ गया क्या नहीं गया। तो वहाँ पे ये था, वहाँ पे हमने वहाँ पे पहुँच के ना रामा लेक हमने कह लिया था कि भाई वापस पहुँच के शुक्राने के नफल अदा करेंगे, तो जो कि हमने अल्लाह का शुक्र है किए भी हैं। तो ये भी बड़ा यादगार सफ़र है। उसके बाद जो हमारा जो आया हमें चैलेंज वो आया देवसाई नेशनल पार्क। एक तो उसकी जो रोड्स हैं वो हैं पथरीली रोड्स हैं, वहाँ पे बाइक ने बर्दाश्त किया, मैंने जैसे चलाया ना इसे, तो ये इस बाइक की हिम्मत है कि इसने बर्दाश्त किया है, मैंने कोई लिहाज नहीं किया बाइक का, लेकिन बाइक ने भी काफ़ी साथ दिया मेरा। तो यहाँ पे जो हमें चैलेंज आया वाटर क्रॉसिंग है, मेरे शूज तो थे वो होते हैं कपड़े वाले वाशेबल जो शूज़ होते हैं वो मैंने लेके गया था साथ, दूसरे शूज़ मैं लेके नहीं गया था। तो क्या जब वाटर क्रॉसिंग आती है वो ग्लेशियर्स का पानी होता है, वाटर क्रॉसिंग का ये पानी उछला, शूज़ पे पड़ा, हाथों पे पड़ा, पैंट्स वगैरह वो गिली हो गई, तो एक तो वो बंदा कहता कि पता नहीं क्या चीज़ है, बंदा सुन नहीं हो जाता वैसे हो जाता, ऊपर से ठंडी हवा चल रही है, चलो ठीक है वो भी ठीक है, चलो बंदा तसल्ली होती है आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे जाके इंशाल्लाह फिर आसान रास्ता भी आ जाएगा, ये तो मुश्किल है ना। तो ऐसे करते करते रात हो रही है, हमारा प्रोग्राम बना के अभी रुक जाए, मैंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं रुकते, हम आगे जाके स्कर्दू में ही रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहुँच गए मरतबा जहनी सुकून आ जाएगा, हाँ हम कई जगह पहुँच गए हैं। तो क्योंकि दिवसा में सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ऐसे करते करते मुआज भाई अपना सामान कभी कहीं गिराया कभी कहीं गिराया, तो पीछे से मैं सामान इकट्ठा करता आ रहा हूँ। तो आगे जाके जी देखा जी बर्फबारी शुरू हो गई है, जो पहले से बर्फबारी हुई होगी वो पिघल के सारी रास्ते में कीचड़ बना हुआ है, पानी खड़ा हुआ है सड़कों पे, वहाँ पानी उछल के आ रहा है हमारे ऊपर, फुल सर्दी वाला माहौल, तो ऊपर से बर्फबारी, ऊपर से क्या हुआ है मुआज भाई का वहाँ पे बाइक ए सी नहीं पकड़ रहा, स्टार्ट होता है बस भेज दे दो कुछ भी कर लो, नहीं कुछ नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं उसका। तो हमें वहाँ पे हो गए बस, हम कह रहे कि यहाँ फंस गए हैं, यहाँ पे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ना इधर कोई ना इधर कोई, बर्फबारी हो रही है, रात का टाइम है, ठंडी ठंड लग रही है। तो मैंने कहा जी आज क्या होगा, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो इतनी देर में अल्लाह की तरफ से मदद आई है, तो दो पीछे से जीप्स आई हैं,
उनसे हनी भाई ने बात की है कि अगर आपके फैमिली नहीं है तो हमें साथ ले जाएं। उन्होंने कहा मेरे हमारे पास फैमिली है, दोनों गाड़ियों में फैमिली बैठी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इतनी देर में मैंने माल भाई को कहा था कि थोड़ा सा आगे निकल, आगे जाके शायद उतराई आ जाए, अगर उतराई आएगी तो फिर तो बाइक ना भी चले तो कोई नहीं, खैर है हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, तो माल भाई की बाइक भी चल गई लेकिन उतराई, फिर आगे उतराई आ गई। तो वहाँ से अब यहाँ पे एक स्टोरी है, तो हनी भाई ने उससे बात कर ली, तो वो कह रहे चले जी हमारे साथ साथ आ जाए, हमने पीछे पीछे आ जाए। तो मैंने क्या किया, दो जीप्स थी, हनी भाई दूसरी जीप्स के पीछे थे, मैं जो पहली जीप्स थी उससे भी आगे हो गए, आगे चला गया। तो आगे जाके मैं खड़ा हो गया, जीप आई, उसने कहा जी स्कर्दू सीधे जाना, सीधे चले जाओ। वहाँ खड़े हो गए, तो मैं आगे निकल गया, काफ़ी। जब आगे निकल गया ना, हर तरफ अंधेरा, इधर पहाड़ इधर खाई, आगे अंधेरा, पीछे से कोई लाइट ही नहीं नजर आ रही। तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, मैं डर गया, मैं क्या, या तो मैं गलत रास्ते आ गया या कोई और मसला हो गया, तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ। जहाँ पे मैंने कुछ स्टोरीज भी वैसे लोगों से सुनी है कि जिन भूत होते हैं तो ऐसे रीछ वगैरह होते हैं, जानवर जंगली होते हैं, तो मैं बिल्कुल ही जो कह रहे हैं डर गया। वहाँ पे मैंने ऊंची ऊंची आवाज से अल्लाह 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 करना शुरू कर दिया। तो इतनी देर में मुझे फिर लाइट्स वगैरह नजर आनी शुरू हो गई, जो कि इधर मेरी तरफ आ रही थी, दूर थी अभी, तो मैं देखता था। पहले मैं वापस जाने लगा उन लाइट्स की तरफ, लेकिन जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये मेरी तरफ ही आ रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, फिर मैंने इन्हें आने दिया, फिर वो जीव्स थे उन्हें आगे होने दिया, फिर हनी भाई और माल भाई के दरम्यान में रह के मैंने बाइक चलाई और उसका तो पहुँच गए। तो वीडियो ये मेरे ख्याल से 12 मिनट की हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये मेरे जो चैलेंजेस थे, तो ये सारे चैलेंजेस आए हैं सामने। तो और वहाँ से स्कर्दू से हमने शूज़ खरीदे थे, शूज़ आपको दिखा देता हूँ। तो वो शूज़ खरीदे थे मैंने, 3,000 के खरीदे थे, ये है हाइकिंग शूज़ होते हैं, वो खरीदे थे। और मुआज़ मैंने खरीदे थे दो शूज़, एक अपने अबू के लिए और एक अपने के लिए, तो तकरीबन 5,000 के उन्होंने खरीदे थे। तो हनी भाई ने खरीदे थे बाइकिंग के लिए और हाइकिंग के लिए शूज़ 4,000 के। तो मैंने और हनी भाई ने तो अपने शूज़ वहीं पहन लिए कि भाई पैसे तो पूरे करें ना, इन्जॉय तो करें बूट। और मुआज़ भाई ने क्या किया, उन्हें पैक करके अपने सामान के साथ बांध लिया। और मुआज़ भाई का सामान बांधना ऐसा था कि मत पूछिए, मैंने आपको पीछे बताया कि सामान को गिराते जा रहे हैं और मैं इकट्ठा करता जा रहा हूँ पीछे पीछे से। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी, जब हम पहुँचे हैं देवसाई, तो देवसाई नहीं बाबू सर टाप, रात का वक्त था। तो मुआज़ भाई वैसे ही कह रहे हैं कि यार क्या शूज़ ले रही है यार, ऐसे करते करते उन्हें याद आया कि मैं शूज़ तो देखूँ। जब उन्होंने शूज़ देखे हैं तो वहाँ पर शूज़ ही नहीं है उस वक्त से। और रात सारी गुजर गई, दिन भी गुजर गया, तो उनका जो था ना मूड खराब ही रहा। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने, हमारा भी वापसी में मूड था कि हम मरी की तरफ से होकर नथिया गली से होकर नहीं जाएंगे, तो वो कह रहे भाई आप जाओ, मैं तो जाऊंगा रावलपिंडी, वहां से बस लेकर तो समुद्री चला जाऊंगा, तो आप जाओ। तो इस तरह जी ये हमारा जो ट्रिप था, तो ये बहुत ज़्यादा यादगार रहा है। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़, अगर आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई तो इस वीडियो को पसंद लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हाँ एक बात तो रह गई, खर्चा मैंने पता नहीं बताया कि नहीं बताया, बाइक का जो खर्चा है पेट्रोल का, तकरीबन 12,000 का पेट्रोल लगा है हमारा, और तकरीबन 7,000 पर पर्सन का मैं बता रहा हूँ, और 7,000 पर पर्सन का खाने पीने का खर्चा, वो भी फुल बजट के साथ, एक टाइम नाश्ता और एक टाइम रात की रोटी, ऐसा था हमारा सीन। तो जो दरमियान में था वो सफर ही था, तो चाय वगैरह पी है रस्ते से, तो ऐसे खर्चे किए हैं जिसकी वजह से हमारा इतना खर्चा हुआ है। अगर आप यशी करके ज़्यादा करेंगे तो उतना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, तो ये हिसाब होता था। तो अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब इतना ही, अल्लाह हाफिज़।